मित्रों, हाल ही में रिलायंस जियो ने $15 मिलियन की फंडिंग दी एक AI बेस्ड स्टार्टअप को, या आप यूं भी कह सकते हैं एक मेटावर्स स्टार्टअप। ऐसा क्या खास बात था उस स्टार्टअप के अंदर और इतनी तेजी से वो कैसे लोगों के सामने आ रहा है? उस स्टार्टअप के पीछे की स्टोरी क्या है और क्यों इसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फ्यूचर ऑफ इनोवेशन? इस वीडियो में जानने लायक बहुत चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इस चैनल पे भी मिलेंगी। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां भी चेकआउट करो। लेकिन एक चीज पे चेकआउट किया रिलायंस जियो ने जब उन्होंने अनाउंस किया $15 मिलियन की फंडिंग, लगभग 111 करोड़ रुपए एक स्टार्टअप को देने के लिए जिसका नाम था TWO2। ये कंपनी फाउंड की गई थी प्रणव मिस्त्री द्वारा, जो कि इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, और ये स्टार्टअप काम करता है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज, Web3 टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स, सबका मेल जोल है इस कंपनी के अंदर। और मजे की बात तो ये है, फाउंड भी ये 2021 में ही हुई है, लेकिन प्रणव मिस्त्री को 2021 में ये फंडिंग मिली और 2021 में ही इन्होंने लॉन्च किया था। तो ऐसा क्या देख लिया अंबानी जी ने और एक्सपर्ट्स ने कि वो इनके पीछे शुरू से ही दौड़ने लगे? प्रणव मिस्त्री जो कि ग्रेजुएटेड है IIT बॉम्बे से और MIT से, और काम कर चुके हैं सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नासा जैसी कंपनीज में। उनके पॉपुलर इन्वेंशन में से एक है सिक्स्थ सेंस, यानी कि एक जेस्चर बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, इनविजिबल कंप्यूटर माउस जैसी और भी चीजें, है ना मजेदार। और उनकी नई वेंचर को मेटावर्स में डालने के लिए उन्होंने ये स्टार्टअप लॉन्च किया। प्रणव मिस्त्री इतने कलाकार इंसान है कि अगर आप सर्च करेंगे इनका नाम तो इनकी वेबसाइट आपको मिलेगी जहाँ पर सिर्फ इनका बायोडेटा होगा। जी हाँ, सिर्फ एक पेज की वेबसाइट जिसमें इनका पूरा बायोडेटा है। अब इससे रिलायंस जियो को क्या फायदा होगा? टू प्लेटफॉर्म AI बेस्ड है, यानी कि AI वॉइस कॉल, रियल टाइम डेटा एनालिसिस, वीडियो कॉल्स, डिजिटल ह्यूमंस, मेटावर्स, गेमिंग से बहुत इम्प्रेस रहते हैं अंबानी जी, और खास करके आकाश अंबानी जो कि डायरेक्टर हैं। और इस कोलैबोरेशन के साथ जियो प्लेटफॉर्म फास्ट ट्रैक कर देगा अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज के ऑप्शन में, यानी जियो भी यहाँ पर मेटावर्स में घुसकर एक नया मार्केट तलाशने की कोशिश कर रहा है। और कुछ ही सालों में आपको AI और मेटावर्स के प्लेटफॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे जियो के अंदर, जो कि आगे जाके एक $1 मिलियन की स्कीम बनेगी। मजे की बात यह है दोस्तों कि मैंने मेटावर्स स्टार्टअप्स और मेटावर्स क्या है इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम टू स्टार्टअप की बात करें तो ये इंडिया में एक AI टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं कंज्यूमर एप्लीकेशंस, जो कि एंटरटेनमेंट और गेमिंग से क्लासिफाइड होगा, यानी कि उन सेक्टर्स में होगा जैसे रिटेल, सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर मेटावर्स और AI टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करना। और मिस्त्री जी की पास्ट परफॉर्मेंस और टीम, एक तगड़ी टीम की वजह से हर एक्सपर्ट मजबूर है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी लीडरशिप टीम में ही इतने जने हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नासा और सैमसंग जैसे प्लेटफॉर्म से इस स्टार्टअप के अंदर काम करने आए हैं। तो इस स्टार्टअप से आपको क्या सीख मिलती है जिससे आप ग्रो हो सके? जो कि हम जानते हैं कि ये स्टार्टअप को लॉन्च हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसके मार्केटिंग के बारे में भी अभी अच्छा खासा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन विदाउट मार्केटिंग भी आपको फंडिंग मिल सकती है, ये इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है जो प्रणव मिस्त्री ने बड़ी बखूबी से निभाया। पहला, न्यू एज टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना, और दूसरा, प्रोफेशनल टीम का साथ निभाना और आगे बढ़ना। ये बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन मुझे आपको बताना जरूरी था क्योंकि इसके आगे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने आइडियाज की बात करी है फ्यूचर के, तो वो लेफ्ट साइड में आपको देखने को तो मिल जाएगी, और राइट साइड में कुछ ब्लॉकचेन के भी स्टार्टअप देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।